स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube फैमिली का। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं, WIPO। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आज के कंटेंट में हम कुछ देखेंगे, वो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, पर्पसेस देखेंगे, इसके क्या पर्पस है, ऑब्जर्वर स्टेटस, किन किन कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस मिली हुई है, हिस्ट्री क्या रही है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। नाउ ट्रीटीज़ के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड नाउ फाइनली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आपका एक थोड़ा सा ओवरऑल एक माइंड क्लियर करना चाहता हूँ कि WPIO आखिर है क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए जो हमारा हमारे ह्यूमन इनोवेशन होते हैं। देखिए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की खोज होती है, वो लिटरेचर में होती है, आर्ट में होती है, साइंस में होती है, तो इस तरह की मेडिसिंस में होती है। तो इन तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये चीज़ें किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ये चीज़ें किसी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड है, तो इसकी राइट जो है, इसकी राइट वो पर्टिकुलर बंदे के पास होनी चाहिए। ये क्रेडिट, एक्चुअली आप कह सकते हो, ये क्रेडिट उन्हें मिलनी चाहिए। इसको श्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और इस चीज़ को ही हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी जिम्मेवारी है इस चीज़ को ओवरऑल वर्ल्ड में संभाले रखना, ये क्रेडिट उन लोगों को, उन देशों को देना, तो उस संगठन को हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यूनाइटेड स्टेट का ये एक ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहने का ये मतलब है कि यूनाइटेड नेशन के टोटल स्पेशलाइज्ड एजेंसी 15 है, आउट ऑफ दैट WIPO इज वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, राइट। WIPO करेंटली मैनेज करती है 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऐसे 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसको मैनेज करती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आप अपने नोटबुक एंड पेन के साथ इसको नोट करते रहना, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को। नाउ अब इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 193 कंट्रीज़ हैं। कुछ इसमें स्पेशल कंट्रीज़ ऐसी भी है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आउट ऑफ 190 यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ में जो है, वहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि हॉली सी, न्यूई और कुक आइलैंड, ये जो है वीपो के मेंबर है। ये वीपो के मेंबर तो है बट ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। ये नोट करने वाली चीज़ है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन बट द पार्ट ऑफ वीपो, एंड इसको अलग तरीके से भी आ सकता है। बस एक बात याद रखना कि यूनाइटेड नेशन के 190 जो पूरे के पूरे हैं वो तो इसके है ही मेंबर्स, बट जो अलग है, जो इसके पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशन के, बट फिर भी उसके एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के है मेंबर्स है, वो है होली सी, न्यू एंड कुक आइलैंड, तो ये उसके मेंबर्स है। अब नॉन मेंबर्स की बात कर ले, जो इसके मेंबर्स नहीं हैं, उनमें से जो स्टेट है वो है कोसोवो, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ, साउथ सूडान, और ये जो सारे कंट्रीज़ है ये इसके नॉन मेंबर कंट्रीज़ है। नाउ दिस इज़ द ब्यूटीफुल लोगो ऑफ वीपो, राइट। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट। तो ये सब ये हमने अभी चीज़ें देखी। नाउ अब मूव करते हैं, अभी हमने जब बात की है, आज जब कंट्रीज़ की बात की उसमें हमने चर्चा किया जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के पार्ट तो नहीं है बट उसके जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे हम वीपो कह रहे हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उनका वो पार्ट है। तो वो आखिर है कहाँ और कैसे है, तो ये देखिए वेटिकन सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो ये वहीं पर है। और होली सी, ये बहुत ही खूबसूरत मैप है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। और भी डिटेल में जानना है तो आप विकिपीडिया पे जा सकते हैं। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज क्वाइट इनफ। नाउ न्यूई का हमने बात किया, न्यू जो है वो साउदर्न पैसिफिक ओशन में है, एक बहुत ही छोटी सी आइलैंड है एंड जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है, आप मैप में देख सकते हो। ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में स्थित है, राइट। और जो हमने तीसरी बात की थी कुक आइलैंड के बारे में, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में ये भी लाई करता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विकिपीडिया पे जरूर जाना। नाउ पर्पस की बात करते हैं, तो इसका जो मेन पर्पस है वो रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, राइट। और उसके बाद इसे दुनिया में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्या करती है ये, प्रमोट करती है किसको, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और
ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच कंटेन्स, वो क्या 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 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, वैसे इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हमने इसके इंट्रोडक्शन में बात किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटिव लोगों के द्वारा जो उनकी क्रिएशन होती है, ह्यूमन नॉलेज के द्वारा जो नई क्रिएशन होती है, ठीक है, उस पे उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इसका पर्पज़ है कि इसे बचा के रखना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी शामिल है, राइट। तो ये थे इसके पर्पसेज। नाउ अब बात करेंगे ऑब्जर्वर स्टेटस किसके किसके पास है। फिलिस्तीन, आपने नाम सुना होगा, फिलिस्तीन एक कंट्री है, तो इसके लिए फिलिस्तीन आपको मिलेगा, आप वर्ल्ड मैप पे अगर देखोगे तो इसराइल के पास मिलेगा, वहाँ पे आप गाजा पट्टी देखोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कभी हम अगले कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिलिस्तीन के बारे में, स्पेशल वीडियोज भी बनाएंगे नाउ। और इसके जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो डिफरेंट एनजीओज को और आईजीओज को। एनजीओज क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आईजीओ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है, जो पहली बार इसके बारे में चर्चा की गई थी, वो चर्चा की गई थी पेरिस कन्वेंशन 1883 में, राइट। उसके बाद 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई। नाउ मैड्रिड एग्रीमेंट साइन की गई 1891 में। ये जो टोटल पॉइंट्स है ना, इसको बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए और उसका उसका आंसर आप इससे काफ़ी दे पाओगे। अगर और डिटेल्स में जानना है तो पर्टिकुलरली आप एक एक एग्रीमेंट कन्वेंशन को आप वहाँ पे विकिपीडिया पे देख सकते हो। उसके बाद 1893 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हुआ था, उसके अंदर भी ये चीज़ें इस पर डिस्कस की गई थी और इसको बनाने में कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आई। नाउ 1967 में विपो कन्वेंशन हुआ, एंड विपो लास्ट में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करता है 1974 में। नाउ इंडिया ने कब ज्वाइन किया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, रेलवे के एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में चीज़ पूछा जा सकता है कि WIPO को भारत ने कौन से ईयर में ज्वाइन किया। तो वो ईयर था 1975, 1975 में भारत उसका सदस्य बना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में कि इसका कार्य है क्या क्या, ये क्या काम करती है। इसका काम है विवादों को सुलझाना। विवाद कैसे, विवाद जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद होते हैं उनको सुलझाना इनका मेन काम होता है। बौद्धिक संपदा के नियम बनाना, वैसे रूल्स वैसे फ्रेम करना है जो कि इंटेलेक्चुअल क्रिएटिंग के लिए कभी काम आए। तकनीकी संरक्षा, टेक्निकल स्ट्रक्चर बनानी है कि कैसे प्रोटेक्ट करें हम उसे, टेक्निकली कैसे प्रोटेक्ट कर पाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कैसे कर पाए। सहयोग और क्षमता का निर्माण, कोलैबोरेशन करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना इसका काम है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सीमाएँ व अपवाद, लिमिटेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम। नाउ ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रीटी एग्जाम्स में आती है, तो वीपो से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है वो आज हम अभी देखेंगे। टोटल 5 ट्रीटी है, उनमें से जो पहला है वो है वीपो कॉन्फ्रेंस एंड फोनोग्राम संधि, राइट। ये एक पैक्ट है, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम, वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम। नाउ बुडापेस्ट ट्रीटी हुई थी, बुडापेस्ट ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड प्रोटोकॉल पे भी बहुत बात हुई थी। मराकस पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अलग से आप विकीपीडिया या पे जाके खुद इस पर रिसर्च करना फॉर द इंटरेस्ट, ये आपके बहुत काम आएगा। नाउ जो लास्ट है वो है विपो कॉपीराइट ट्रीटी। विपो कॉपीराइट ट्रीटी कॉपीराइट के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटी थी और विपो ने इसे कंडक्ट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी जो कि विपो के अंतर्गत करवाई गई थी, इंपॉर्टेंट संधियां थी। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन क्या होती है, नई नई तकनीक, नया खोज। ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबली पब्लिश की जाती है WIPO के द्वारा, और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करते हैं। वैसे तो हमने देखा 193 टोटल मेंबर्स हैं, हमारे लिए जो मेन है वो इंडिया की रैंकिंग है। इंडिया ने पिछले सालों में इस रैंकिंग को सुधारा है, पिछले सालों के अकॉर्डिंग अभी करेंटली इस रैंकिंग को सुधारा है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में आई है उसमें इंडिया का रैंक 52nd था, 52 था, और 2018 में जो कि 57 रहा। तो हमने 5 नंबर के छलांग लगाए ऊपर में, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें इसे और ऊपर लेके जाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे इनोवेशन, आप जानते हैं कि इनोवेशन हमारे पास कैपेसिटी है हमारे कंट्री में, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू गवर्नमेंट फंडिंग और ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ये चीज़ कि हमें इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए।
और मे भी मुझे बहुत उम्मीद है, आई एम वेरी होपफुल दैट इन अपकमिंग ईयर्स ये चीज़ें सुधरेंगी। नाउ 26 अप्रैल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे इसके लिए, क्योंकि इस दिन हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। और ये इवेंट जो है ये मेनली जो है वो अवेयरनेस राइज करने के लिए, अवेयरनेस किसके लिए राइज करने के लिए, वो है पेटेंट्स के लिए, जो भी कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, और जो डिज़ाइन होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लोग करते, कंट्रीज करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्यों करती है, खास करके आजकल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, जो कि बहुत बड़े देश है जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है एक्सप्लॉयट करके हमारे नेचर को। तो आज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जब भी बात होती है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं कि उनका हाथ बहुत कम है, तो वहाँ पे बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, और इनोवेटर्स के लिए ये काम करता है। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 26 अप्रैल इसको क्यों रखा गया, क्योंकि जो कन्वेंशन इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1970 में, तो ये 26 अप्रैल को ही की गई थी, इसीलिए 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ तो आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, WIPO क्या है, उसके पर्पजेस के बारे में कि उसके क्या क्या पर्पज है, वो कैसे कैसे काम करती है, ऑब्जर्व स्टेटस के बारे में बात की है हमने, हिस्ट्री के बारे में बात किया हमने, वर्क के बारे में बात किया हमने, ट्रीटीज़ के बारे में बात की, नाउ उसके डेज के बारे में बात किया। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर टूडे, दिस लेक्चर इज हेयर एंडिंग, एंड सो बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड गाइज, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।